लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में छत्तीसगढ़ की राजनांदगांव लोकसभा सीट पर भी मतदान है। छत्तीसगढ़ की यह हॉट सीट में से एक है। यहां से कांग्रेस ने जहां कद्दावर नेता पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को मैदान में उतारा है, तो वहीं बीजेपी ने वर्तमान सांसद संतोष पांडे पर ही दांव खेला है। राजनांदगांव लोकसभा सीट को लेकर देखिए एक खास रिपोर्ट। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में टोटल वोटरों की संख्या 18,69,229 है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 9,29,679 है और महिला मतदाताओं की संख्या 9,38,334 है। यहां अन्य वोटर यानी ट्रांसजेंडर्स की संख्या 8 है। राजनांदगांव लोकसभा सीट की बात करें तो 1957 में यहां पहले चुनाव हुआ। तब से लेकर अब तक कांग्रेस ने 8 बार, भाजपा ने 6 बार, जनता पार्टी ने 1 बार और निर्दलीय प्रत्याशी ने 1 बार चुनाव जीता है। राजनांदगांव में 2330 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इस लोकसभा सीट में 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिनमें पंडरिया, कवर्धा, खैरागढ़, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, डोंगरगांव, खुज्जी और मोहला मानपुर शामिल हैं। क्षेत्र में नक्सल प्रभावित होने की वजह से कहीं कहीं मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा, तो वहीं मोहला मानपुर विधानसभा में मतदान सुबह 7 बजे से लेकर अपराह्न 3 बजे तक संपन्न होंगे। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में इस बार 15 अभ्यर्थी मैदान में हैं, जिनमें मुख्य रूप से बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। चुनाव लड़ रहे अभ्यर्थियों की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी से देवलाल सिन्हा, इंडियन नेशनल कांग्रेस से भूपेश बघेल, भारतीय जनता पार्टी से संतोष पांडे, शक्ति सेना से नारद प्रसाद निषाद, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी से रमेश राजपूत, न्याय धर्म सभा से रामफल पाटिल, हमर राज पार्टी से ललित कंवर, राष्ट्रीय जनसभा पार्टी से लखन सिंह टंडन, निर्दलीय उम्मीदवारों की बात करें तो अजय पाली त्रिवेणी, इंजीनियर बसंत कुमार, भुवन साहू, विशेष एएस सिद्दीकी, सुखदेव सिन्हा मैदान में है। इस बार के मुकाबले की बात करें तो आमने सामने बीजेपी और कांग्रेस है। बीजेपी की तरफ से वर्तमान सांसद संतोष पांडे मैदान में है, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कमान संभाल रखी है। क्षेत्र में जनता जहां एक तरफ संतोष पांडे के पिछले कार्यकाल में अनुपस्थित रहने से नाराज है, तो वहीं भूपेश बघेल का नाम सट्टा और ईडी जैसे मामलों में आने से नाखुश भी है। अपने प्रचार के दौरान जहां एक तरफ संतोष पांडे मोदी की गारंटी का जिक्र कर रहे हैं, तो वहीं भूपेश बघेल अपने 5 साल के कार्यकाल बता रहे हैं। क्षेत्र में सामाजिक समीकरण की बात करें तो यहां आदिवासी समाज के लोग लगभग 35% हैं, जिसके बाद सबसे अधिक संख्या में लोधी समाज के लोग हैं जो 30% है। क्षेत्र में साहू समाज के लोग 25% है, तो वहीं सतनामी समाज के लोगों का भी अच्छा दबदबा है। बहरहाल लोकसभा क्षेत्र में जनता की उम्मीद बहुत है। प्रदेश की संस्कार धानी के रूप में जाना जाता है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही यहां आम सभा के माध्यम से मतदाताओं को अपना संदेश दे रहे हैं। अब देखने वाली बात यही होगी कि राजनांदगांव लोकसभा सीट के मतदाता किसे अपना सिरमौर बनाते हैं। छत्तीसगढ़ से लोकमत के लिए स्वाति कौशिक की रिपोर्ट।